अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद मरियम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो आज का ये जो व्लॉग है, ये मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ और बैलून्स जो है मैंने ऐसे साइड पर कर दिए थे, और सारी ये लाइट्स भी मैंने उतार दी थी, और जो केक वाला डब्बा था वो जो था बहुत ज़्यादा मज़बूत लग रहा था, उसमें हम कुछ रख भी सकते थे, बिल्कुल साफ़ था तो मैंने रख लिया था। और अभी मैं नाश्ता बनाने आई थी तो ये देखे जुनेद ने जो है केले के छिलके जो है शेल्फ़ के ऊपर ही रख दिए थे, और सारी चीज़ें मैंने बस समेट दी है। बस ये जो थोड़े से बर्तन है ये रह गए थे, ये मैंने अंदर शोकेस में रखनी है। और ये जो है रात को जो है मैंने जुनेद से सब्ज़ी मंगाई थी आलू और करेले बनाने के लिए, तो ये आप देख लें कि जुनेद करेले कैसे लेके आए हैं, बिल्कुल ख़राब करेले हैं। और शादी से पहले जो है हमने कभी भी आलू करेले नहीं अपने घर में नहीं बनाए थे, तो शादी के बाद यहाँ पर आलू करेले, दाल करेले और ये करेलों के साथ जो है ये डलते हैं, तो अब मैं भी बना लेती हूँ कभी कभी आलू करेले। और यहाँ पर जो है मेहरमा ने जो है ये अपनी ट्वाइस जो है अपने पकड़े हुए, और मेहरमा जो है बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि मैं जो है मेरे पास सीज़र है और मैं अपने बाल काट सकती हूँ। तो इसने अपनी पोनी में से सारे बाल आप देख ले निकाल लिए हैं कि मैं अपने बाल काटने लगी हूँ, तो मैंने कहा काट लो, इससे कौन सा कट जाने हैं बाल। और इब्राहिम की जो है तबीयत बिल्कुल भी नहीं ठीक है, बुखार तो फिर थोड़ा कम हो जाता है लेकिन वॉमिटिंग जो है वो नहीं रुक रही है, तो आज जो है मैंने इसको लेके जाना है डॉक्टर के पास। तो बस अभी यहाँ पर हम नाश्ता करने लगे थे, तो आ जाए जिस जिसने नाश्ता करना है। तो मेरा तो सिंपल से ही नाश्ता होता है, अंडा चाय और साथ नान या पराठा जो भी खाना हो। और अभी जो है मैं आई थी नीचे धूप में, तो यहाँ पर जो है मैंने करेले छील लिए थे और उसके बाद काट भी लिए थे। अब जो है मैंने इनको नमक लगा दिया, और नमक लगा के जो है मैं धूप में रखने लगी थी ताकि इसका जो है कड़वाहट जो निकल जाए। और बच्चे भी जो है मेरे साथ ही लेटे हुए हैं, आयजा भी, आयजा को भी मैंने चरपाई पे लिटाया हुआ है, और मेहरमा और इब्राहिम जो है धूप में खेल रहे हैं। और मुझे जो है करेले बिल्कुल भी पसंद नहीं है, शादी से पहले मैंने कभी भी करेले खाए नहीं हैं, तो शादी के बाद ही जुनेद ने करेले ज़बरदस्ती खिलाए थे, तो अब जो है मैं थोड़े थोड़े खा लेती हूँ। तो मैं कीमा करेले बनाऊँ या फिर आलू करेले या दाल करेले, तो मैं करेले जो है बहुत कम डालती हूँ ताकि जो है करेलों का टेस्ट कम आए, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है इसलिए। और यहाँ पर जो है मेरा जो सालन था आलू करेलों का वो तैयार हो गया था, और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था बनाने को, और करेले जो थे इतने कड़वे थे, इतने कड़वे थे, हालांकि मैंने नमक लगा के धूप में रखा था, और फिर भी जो थे करेले बहुत ज़्यादा कड़वे थे, तो बहुत मुश्किल से मैंने खाए थे, बहुत ज़्यादा कड़वे करेले थे ये। और यहाँ पर जो है जुनेद जो है आयजा को जो है टॉफ़ी खिला रहे थे, तो आयजा जो है माशाल्लाह से बड़ी होती जा रही है, और अब थोड़ा थोड़ा इसने तंग भी करना शुरू कर दिया, अब ज़्यादा देर के लिए उठती भी है, और अब इसको थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें मैंने खिलाना शुरू कर दी है, थोड़ा थोड़ा बिस्किट मैं इसको खिला देती हूँ। और यहाँ पर जो है जुनेद इसको टॉफ़ी दे रहे थे, तो ये मज़े से खा रही थी टॉफ़ी। और यहाँ पर जो है मैं अपने कपड़े प्रेस करने लगी थी, क्योंकि इब्राहिम को जो है डॉक्टर के पास लेके जाना था, तो वैसे जो है मैंने अगर ज़्यादा कपड़े प्रेस करने होते हैं तो फिर मैं बेड पर जो है बैठ कर करती हूँ, लेकिन अभी जो है मैंने सिर्फ़ एक ही सूट अपना प्रेस करना था, तो इसलिए मैं खड़े होकर जो है जल्दी जल्दी कर रही थी। और जुनेद के जो कपड़े हैं वो प्रेस हुए हुए थे, तो इसलिए बस मैं अपने ही कर रही हूँ, और बस इब्राहिम का करना था। तो ये वाला जो सूट है ये मेरी सिस्टर ने मुझे दिया था मेहरमा के पैदा होने पे, तो ये सूट जो है इसका कपड़ा जो है बहुत अच्छा है, और इसका कलर भी बहुत अच्छा है, और ये जो है सूट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये वाला जो सूट है ये मोटी वाली लीलन होती है वो है, और इसके फ्रंट जो है इसकी शर्ट की जो फ्रंट है ऐसे पूरे उस पर जो है कढ़ाई हुई हुई है, ऑफ वाइट कलर की कढ़ाई हुई हुई है, और वैसे ओरिजिनल में जो है इसका कलर है वो चेंज है, बहुत प्यारा सा इसका कलर है,
और वीडियो में जो है इसका कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा सूट का, लेकिन ओरिजिनल जो इसका कलर है वो बहुत अच्छा कलर है इसका सूट का। तो ये सूट मैं आपको बता रही थी कि ये महरमा के होने पर मेरी सिस्टर ने दिया था और ये अभी तक ख़राब नहीं हुआ, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ ये सूट ना। और सबसे मुश्किल काम जो मुझे लगता है वो मुझे कपड़े धोना लगता है, क्योंकि महरमा तो बड़ी हो गई है, इब्राहिम अभी छोटा है तो वो बार बार पानी के अंदर आता है, वो बिल्कुल भी नहीं सुनता है, बहुत ज़्यादा तंग करता है। और आयज़ा भी छोटी है तो आयज़ा भी रोती है, आयज़ा को भी देखना पड़ता है। तो पहले मेरी नंद होती थी तो हम बच्चों को नीचे भेज देते थे, लेकिन अब जो है मेरी मदर इन लॉ है उनके पास मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ूँ, लेकिन ज़्यादा देर वो जो है बच्चे को रख नहीं सकती हैं, तो फिर इसलिए कपड़े धोने वाला काम जो है मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। और बाकी काम तो हो जाते हैं साथ साथ, लेकिन सारे काम ही मैनेज करने पड़ते हैं। तो बस यहाँ पर मेरा जो सूट है वो भी प्रेस हो गया। और ये देखिए जी, अभी आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए ये यहाँ पर जो लगाई थी, लाइट चलाती हूँ मैं वॉशरूम की ना, ये देखिए ये जो यहाँ पे लगाई थी ना, ये देखिए ये सारी ऐसे हो गई थी। तो अब जुनेद इसको उतरवा के ना इसके अंदर इस जगह पे इधर इसको वेल्ड करवा के लाएंगे। ये देखिए जी ऐसे हो गई है ये सारी, तो ये दोबारा से लगानी पड़ेगी। तो फिर कपड़े जो हैंग हुए हुए थे तो मैंने जो जुनेद से कहा कि इसके ऊपर ऐसे हैंग कर दे, ठीक है। तो ये भी बुरे नहीं लग रहे हैं, लेकिन फिर भी पर्दे के पीछे सही लग रहे थे, तो मैं इसको सही करवाऊँगी, ठीक है जी। तो जब तक ये पर्दा मैंने ऐसे आगे कर दिया, और यहाँ पर ये मैंने टोकरी रख दी है, तो जो मैले कपड़े होते हैं तो मैं इस टोकरी में डाल देती हूँ। और देखिए जी हमारी वेल्ड होके कब आती है, जुनेद को कोई काम बोलो तो जुनेद जो है बहुत मुश्किल से काम करती हैं। और यहाँ पर तो ये देख लें, इन बच्चों ने जो है ये डॉल खोली थी, इनके हाल आप देख लें, सारा दिन मैं समेट समेट के थक जाती हूँ और ये फिला फिला के नहीं थकती हैं। ये देखिए जी, ये अभी मैंने दो दफ़ा मैंने उठा के रखा था सारा सामान ना, तो इब्राहिम ने जो है फिर इसको नीचे फेंक दिया। अब फिर से मैं इसको उठाऊँगी ऐसे, ये देख लें सारा मैंने उठा लिया और इसको मैं बाहर अभी लेके जाती हूँ। और ये बल्ला जो मैंने रखा हुआ है इससे जो है दोनों बच्चे डरते हैं, तो जब ये मुझे तंग करते हैं बहुत ज़्यादा तब इससे मैं इनको डराती हूँ, तो ये फटाफट लेट जाती हैं। और ये इसकी तबीयत आप देख लें, इसको बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ा हुआ है, वॉमिटिंग कर रहा है, तो ये चीज़ खाने से जो है बाज नहीं आता है और ये चीज़ खाया जा रहा है। इब्राहिम क्या खा रहे हो? चिज्जी खा रहे हो? चिज्जी खा रहे हो? इधर इधर मुझे बताओ ना, चिज्जी खा रहे हो? इधर देखो इब्राहिम, चिज्जी खा रहे हो? मज़े की है? मज़े की? शो योर टीथ, शो योर टीथ कर दो जल्दी से, शो योर टीथ जल्दी से कर दो, वेरी गुड, ब्लिंक योर आइज, ब्लिंक योर आइज, आइज ब्लिंक करो, ब्लिंक योर आइज ऐसे। और ये इधर महरमा बैठी हुई है, और महरमा ये देख ले ये डॉल्स के साथ लगी हुई है। और कहाँ है छोटी वाली? बस छोटी वाली दो ही है, ये देखिए जी दो छोटी डॉल्स हैं, और ये बड़ी वाली डॉल है। और ये इसके कपड़े पहना रही थी, गुड्डे के कपड़े, और बाकी खिलौने जो है महरमा ने अपने टॉयज जो है इसके अंदर डाल ली है। और महरमा के हाथ में होता है ये शॉपर और महरमा खेल रही होती है। और जो इनके बाकी थे तो ये मैंने उठा के रख दी है, ये जो इसके अंदर टेडी बियर है, इसके अंदर भी टेडी बियर है और इसके अंदर बड़ी वाली डॉल है, तो वो मैंने रख दी है। एक साथ सारी टॉयज नहीं मैं इनको दूंगी, आहिस्ता आहिस्ता एक एक तोड़ते जाएंगे, फिर मैं निकाल के इनको दूंगी बाकी भी। तो और अभी ना मैंने अपने लिए बाहर कहवा बनाया था, मैं अपने लिए बाहर कहवा रख के आई थी, तो मेरा कहवा भी हो गया यहाँ पर, ये देखिए जी कहवा भी मेरा हो गया। नहीं इधर आ जाओ, अब मैं कहवा डालने लगी हूँ इसके अंदर और इसके अंदर,
क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कहवा पीने को, तो फिर मैंने सोचा कि मैं कहवा बना लेती हूँ। अब मैं कहवा डाल लेती हूँ इसके अंदर, फिर हम अंदर चले जाते हैं। कहवा गर्म है, इब्राहिम ने कहवा पीना है। इब्राहिम आपको कहवा डाल के दूँ फीडर में? इब्राहिम आपने कहवा पीना है? मामा और शायद कोई फोत हो गया, तो यहाँ पर एक ऐलान हो रहा है। तो इसके अंदर मैंने कहवा डाल लिया, ये देखिए। चलो 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 अंदर चलो, जल्दी जल्दी अंदर। तो यहाँ पर मैंने अपना कहवा भी डाल लिया और मैं कहवा लेके आ गई हूँ। और जुनेद की आज काम से छुट्टी हो गई थी, जुनेद गए थे तो वहाँ पर लाइट चली गई थी, तो जुनेद आ गए थे सुबह ना 11 या 11:30 बजे ना। तो हाँ जी, तो अभी यहाँ लेटे हुए थे, पता नहीं बाहर गए हैं, मुझे बता के भी नहीं गए हैं, अचानक चले गए हैं बाहर। और मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि जुनेद आए, कब आएंगे। और ये देखे जी, ये मेरे स्टैंड को छोड़ता ही नहीं है। और मैंने जो है टोपी पहन ली है, मेरे पास दो दो तीन तीन टोपी हैं, तो मुझे जो है ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा, और मैं टोपी लाजमी पहनती हूँ। और हमारे हीटर को क्या हुआ है, हीटर जो है हमारा, एक रॉड जो है हमारा ख़राब हो गया। तो मैंने जो है पता करवाया था कि ये क्यों ख़राब हो गया, तो वो कहते हैं इसके अंदर कोई स्प्रिंग है, वो आप चेंज करवा लें। लेकिन फिर भी हमारा हीटर जो है, एक रॉड इसका बहुत जल्दी ख़राब हो गया। ये देखिए जी, ये देखें जी कॉपी ये अपनी मामा को कॉपी कर रहे हैं। इब्राहिम इधर देखो, ये क्या कर रहे हो आप व्लॉग बना रहे हो? इब्राहिम इधर देखो, इब्राहिम इब्राहिम आप व्लॉग बना रहे हो? तो ये देखे जी, बच्चे क्या क्या करते रहते हैं। मैं ऐसे मोबाइल लगाती हूँ, तो ये इब्राहिम ने भी मोबाइल लगा लिया ऐसे, और इब्राहिम जो है व्लॉग बना रहा है। और ये देखे जी, ये मैं हरमा इधर है, और मेरा बिस्किट, कभी कभी अब मैं रोज़ नहीं बिस्किट खाती हूँ, तो मैं कभी कभी जो है बिस्किट मंगा लेती हूँ, तो सुपर बिस्किट नहीं मिला था, तो फिर ये वाला बिस्किट मिल गया। और बाहर पता नहीं किसी चीज़ का ऐलान हो रहा है, अभी है नहीं मुझे पता किस चीज़ का, कोई फौदगी का तो नहीं हो रहा, लेकिन कोई और सा ऐलान यहाँ पे होते रहते हैं। अगर टीके लगाने हैं तो वो भी जो है ऐलान होते रहते हैं, और मस्जिद में ही होते हैं, और कोई महफिल वगैरह हो तो वो ऐलान भी जो है मस्जिद में ही होते हैं। तो पता नहीं कौन सा ऐलान हो रहा है ये ना। तो बस मैं भी ये खाने लगी हूँ, फिर उसके बाद में आप लोगों से बातचीत करूँगी, ठीक है। और मैंने आप लोगों से एक बात और कहनी थी कि कुछ लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उसके बाद फिर से अनसब कर देते हैं। तो जब उन्होंने अनसब करना होता है तो वो सब्सक्राइब भी क्यों करते हैं चैनल को? अगर उन्होंने ऐसा करना होता तो वो प्लीज़ ऐसे ना किया करें। और शादी के जो है कार्ड आ गए हैं, तो ये दो जो कार्ड हैं ये मेरे सिस्टर्स के हैं दोनों के, और ये वाला कार्ड जो मेरे अब्बू का, और ये वाला जो कार्ड है ये कार्ड हमारा है। और तो हम सब ने शादी में जाना है। और ना मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, जो मेरे से बड़ी वाली सिस्टर है ना, तो जो रात वाले दिन ना उनकी जो है सास फोत हो गई थी, तो आंटी का जो है उनके बहुत ज़्यादा मुझे अफसोस हुआ है। अचानक ही आंटी बीमार भी नहीं हुई एकदम से ही ना, बस हॉस्पिटल लेके गए हैं और बस वो फोत हो गई हैं। तो ये कार्ड तो उनके आए थे, तो वैसे मैंने तो बताना था, मेरा फर्ज था बताना कि उनका कार्ड यहाँ आ गया, लेकिन जाहिर है वो आ तो नहीं सकती शादी में, क्योंकि उनके घर जो है फौदगी जो हो गई है इसलिए। और अल्लाह ताला जो आंटी को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो ये आपको मैं कार्ड दिखाती हूँ, ये हमारा कार्ड है, एक मेहंदी का है, बारात का, और वलीमे का जो है लड़की वाले जो है नहीं कार्ड छपवाते हैं, मेहंदी और बारात का छपवाते हैं। तो वलीमे का हाँ पप्पो ने ऐसे ही कह दिया, तो मेरी पप्पो की बेटी की शादी है, और ये कार्ड जो है एक मेरे अब्बू का और एक मेरा है, और बाकी दो सिस्टर्स की हैं। तो वो लोग जो है मेरे जो फादर इन लॉ है वो ना ये कार्ड भिजवाने लगे थे उसमें गाड़ी में रखवा के, तो फिर मैंने उनको मना कर दिया, मैंने कहा मैं ऐसे ही उनको तस्वीर सेंड कर देती हूँ, तो आप लोग जो है ना भेजो।
तो मैंने उस टाइम अब्बू को फ़ोन किया था, तो अब्बू जो थे बिजी थे, तो अब्बू कहते कि मैं बाद में बात करूँगा, तो फिर मैं उनको बता दूँगी कि आपके कार्ड आ गए हैं। और दोनों सिस्टर्स को जो है मैंने कार्ड की जो है वीडियो बना के सेंड कर दी थी कि ये तुम लोगों के कार्ड है। तो देखें, जो मेरे से बड़ी सिस्टर है वो तो शादी में नहीं आ सकती है, लेकिन जो बड़ी वाली है हो सकता है वो आ जाए अम्मी वगैरह के साथ। तो आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में मुझे किया करें, मुझे कमेंट्स में बताया करें कि मैं कौन से टॉपिक्स पर बनाऊं। तो मुझे जो है स्किन केयर का सारे कहते हैं और मेकअप का कहते हैं, तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा शुरू किया स्किन केयर पर भी बनाना और मेकअप का भी बनाना। तो इंशाल्लाह ताला मैं और भी बनाऊँगी मेकअप के ऊपर भी, स्किन केयर के ऊपर भी। आजकल बस इब्राहिम जो है बीमार हुआ है ना, तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा बिल्कुल भी, इब्राहिम को देखना पड़ता है। और मैंने अभी 4 बज रही हैं, तो इब्राहिम को जो है मैंने डॉक्टर के पास लेके जाना है, मैंने टाइम ले लिया। तो जिस डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो उनको जो है कॉल करके पहले टाइम लेना पड़ता है। तो इंशाल्लाह ताला मैं इब्राहिम ठीक हो जाएगा, तो उसके बाद मैं मेकअप के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों को मैं अपना वैनिटी टूर भी दूंगी। और मैंने मेरा जो सारा मेकअप है ना, इस वाली ब्लाउज में मेरा ये सारा मेकअप पड़ा हुआ है, तो ये सारा आगे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे सेट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। तो जिस दिन मैं ये सेट करूँगी तो उस दिन मैं आप लोगों को दिखाऊंगी सारा मेकअप, और मैं दिखाऊंगी कि मैंने कैसे रखा हुआ है सारा मेकअप, ठीक है। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा होगा, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ जी, क्या बात है, अच्छा अभी मैं देखती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करें। तो नेक्स्ट व्लॉग में अब आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा और